खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी यूपी भाजपा में होने वाले बड़े बदलाव की, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के दिए बड़े बयान की और देश में आज मनाए गए मुहर्रम पर्व की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का कार्यक्रम कैंसिल, बोले प्रशासन की इजाजत के बिना नहीं करेंगे आयोजन। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है। उन्होंने 21 जुलाई को सामूहिक निकाह और दूसरे धर्म के कुछ जोड़ों के धर्मांतरण की बात कही थी। इसको लेकर बवाल शुरू हो गया था। इसी के बाद तौकीर रजा के सुर नरम पड़ गए। पीएम मोदी से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एक घंटे तक चली चर्चा। यूपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। बाल बाल बचे फडणवीस और अजीत पवार, खराब मौसम में रास्ता भटक गया हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और उद्योग मंत्री उदय सामंत बुधवार को समय बाल बाल बच गए जब नागपुर से गढ़चिरौली जा रहा उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और कम दृश्यता के कारण रास्ता भटक गया। हालांकि पायलट बड़ी कुशलता से हेलीकॉप्टर को वापस रास्ते पर ले आया। सपा का पीडीएफ धोखा है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के एक बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में फूट दिख रही है। इस पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा था, लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर ट्वीट कर सपा प्रमुख को करारा जवाब दिया है। बैकफुट पर पूजा खेड़कर और उनका परिवार, नोटिस के बाद घर के पास से अवैध संरचना हटाई। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पुणे स्थित पारिवारिक बंगले के पास एक अवैध संरचना को हटा लिया गया। कुछ दिन पहले ही नागरिक निकाय ने इसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। दरअसल पीएमसी अधिकारियों ने 13 जुलाई को शहर के बानेर रोड इलाके में बंगले के बाहर एक नोटिस चिपकाया था। तो ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। मंदसौर में एक लाचार बुजुर्ग किसान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें किसान लौटते हुए अपनी फरियाद लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। वीडियो में जो बुजुर्ग दिख रहे हैं वह 65 साल के किसान हैं, शंकरलाल पाटीदार हैं। उनका दावा है कि उनकी 1.76 हेक्टेयर जमीन को धोखे से कलेक्ट्रेट के एक बाबू ने अपने बेटे के नाम करवा ली और अब वे गुंडों के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। बता दें कि शंकरलाल पाटीदार साकतली गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वे 2010 से अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आवेदन दिया है। वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया कि यूपी में योगी को हटाकर प्रदेश में नया मुखिया लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मामला ठंडा हो गया। लेकिन एक बार फिर खबरें सामने आ रही हैं कि योगी सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, यूपी भाजपा की तरफ से ये संदेश मिल रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भागकर दिल्ली गए हैं, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में भाजपा कई बदलाव कर सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव है। ये बदलाव विधानसभा उपचुनाव के बाद होंगे। खबर है कि यूपी में सीएम के चेहरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को हुई यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, जहां केशव और भूपेंद्र ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि नड्डा ने दोनों नेताओं से लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने और यूपी में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की है। तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये बैठक सीएम योगी के आवास पर हुई। इस बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। दरअसल यूपी बीजेपी इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर इतनी गंभीर है कि इसे इस बात से समझा जा सकता है। इस मीटिंग में राज्य के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा है। बीजेपी में ये हलचल हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है, जहां बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिली और भाजपा के वोट बैंक में भी भारी अंतर देखा गया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद यूपी की सियासत की गर्मियां और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि बैठक में ऐसी बयानबाजी से बचने को सबको कहा गया है, जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जाए। केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस अभी सिर्फ उपचुनाव पर है। जो गलती भाजपा ने लोकसभा चुनाव में की, वो उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में फिलहाल अभी आंशिक बदलाव हो सकते हैं। संगठन के कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संभावना है कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको सबसे पहले हटाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है, जो किसी के लिए फायदेमंद तो किसी के लिए खतरा बन सकता है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश के धर्म गुरुओं में से इन दिनों सबसे ज्यादा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले नाम में उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का नाम सबसे ऊपर है। महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड की सियासत को सरगर्म कर दिया है। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में भाग लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के रूप में माला पहना दी। कुछ ही घंटों बाद मातोश्री में ठाकरे परिवार के सत्कार से प्रसन्न होकर उनको वापस मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी। साथ ही कुछ ही घंटे बाद दिल्ली के बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर निर्माण का मुखर विरोध किया, जिसके बाद एक के बाद एक अपने बयानों के चलते अवि मुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में आ गए और नेताओं ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने मातोश्री पहुंचकर शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सब लोग हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म की भावना बताई गई है। सबसे बड़ा पाप विश्वासघात बताया गया है और उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। साथ ही उन्होंने केदारनाथ धाम मंदिर से 228 किलो यानी लगभग 164 करोड़ कीमत का सोना गायब होने की चर्चा छेड़ दी है। कुछ ही घंटों में देश भर में सियासी जगत को कई सारे मुद्दे और सवाल उपलब्ध कराने वाले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच जंग छिड़ गई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बयान भी आने लगे हैं। ट्रेंड में रहने वाले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर उनका अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह में नहीं जाना फिर से याद किया जाने लगा। इससे पहले भी समय समय पर एक सन्यासी के रूप में उनकी सक्रियता सामने आती रही है। जाहिर है स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के इस राजनीतिक बयान की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने निंदा की। कांग्रेस छोड़कर शिंदे सेना में आए संजय निरुपम ने पलटवार किया।
अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद से उन्हें लोगों द्वारा काफी ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। बीते समय जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी उनकी बयानबाजी काफी सुर्खियों में आई थी। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुहर्रम के मातम का एहतमाम किया गया। अगर बात राजधानी लखनऊ की कहे तो यहाँ मुहर्रम के 10वीं तारीख को यौम आशूरा के जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मातम करते नजर आए। इस दौरान लोग गमजदा होकर हजरत इमाम हुसैन की याद में रोते हुए नजर आए। यूं तो मातम सफेद और काले कपड़ों में लोग करते नजर आ रहे थे, पर तभी सबकी नजर एक ऐसी जगह ठहर गई जब एक व्यक्ति बड़े बाल खोले हुए भगवा कपड़े पहने हुए नजर आया, जो माथे पर लाल तिलक लगाकर जब एक हिंदू या अली और या हुसैन के नारों की आवाज बुलंद करते हुए मातम करते हुए दिखा। आपको बता दें कि लखनऊ में 10वीं मुहर्रम पर जुलूस के दौरान जब शिया समुदाय के लोग लखनऊ की सड़कों पर मातम मना रहे थे, उस वक्त शिवस्वामी सारंग भी वहां माथे पर तिलक लगाए मातम मनाते नजर आए और उन्होंने या अली या हुसैन के नारों के बीच अपने गम का इजहार किया, जो हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए सभी धर्म के लोगों से इस तरह के आयोजन में शामिल होने की अपील करने के साथ साथ और लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते नजर आ रहे थे। देखिए मैं तो रिवायतन मैं पीछे काफ़ी करीब 8-10 सालों से मैं लगातार मैं शांति का संदेश देता हूँ। जिस तरीके से महाभारत हुई, धर्म पे अधर्म हारा धर्म जीता, उस तरीके से जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं और जिनको पानी मिला वो मर गए। तो करबला एक विश्व शांति का संदेश देती है। इमाम हुसैन सलाम की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपने खानवादे के साथ करी, वो विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी है। और रिलीजन तो परसेप्शन है, आप रिलीजन को मतलब वट एवर यू परसीव दैट इज़ द रिलीजन। आपने इनके बाद मुझसे पूछा ये आपका रिलीजन था, आपने उसको परसीव किया, तो मैं किसी रिलीजन के तहत मैं नहीं, मैं एक शांति का संदेश समाज में हम सब लोग मिलजुल के रहें, एकता की इससे बड़ी मिसाल समाज में क्या होगी कि मैं मतलब कि फर्श अज़ा पे आके बैठता हूँ, मैं यहाँ पे खून का पुरसा देता हूँ और जनाब अपने संरक्षण में मुझे मेरा गेरुआ वापस पहना के मुझे देते हैं। ऐसे ही अमनो चैन देश में बना रहे, विश्व में बना रहे, प्रदेश में बना रहे, आपकी आने वाली नस्लें शांति से रहें, कोई खलफिशार ना हो और सिर्फ एक धर्म को माने जो इंसानियत हो। सब मेरा आपसे रहेगा कि यहाँ पर आपने बातें कहीं जैसे शांति की बात कही, अहिंसा की बात कही, इस्लाम धर्म के बारे में बातें कही, हमने देखा है अगर बकरीद की बात करें, ईद की बात करें, लोग शरीक होते हैं, पर हमने यहाँ पर आपको डेढ़ आपने बताया हमको, मुझे आपसे बड़ी जानकारी मिली 10 साल से आप यहाँ पर शरीक हो रहे हैं, मातम में शरीक हो रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? महसूस तो गम करते हैं हम यहाँ, गम इट्स नॉट ए फेस्टिवल, वी आर हियर फॉर द मॉर्निंग। अभी एक आपके पत्रकार भाई ने पूछा आपको कैसे खुशी हो रही है, खुशी कैसे हो सकती है जो महसूस तो गम करते हैं। हम गम में हैं, हम गम में पूरी कौम के साथ हैं, हम गम में जनाब के साथ हैं, हम इमाम हुसैन के गम में हैं। पर उस गम से जो शांति का संदेश जो निकल के जाता है, उसमें अगर मेरे खून की छींट है, वो समाज में नींव की ईंट की तरह काम करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वामी सारंग हिंदू धर्म के सभी त्योहार मनाने वाले हिंदू हैं, लेकिन मुहर्रम के समय इमाम हुसैन की याद में मातम में शामिल होते हैं। हजरत इमाम हुसैन की जीवन शैली उसूलों और सत्यता के लिए दिए गए बलिदान से प्रभावित होकर उन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे 45 साल के स्वामी सारंग एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। राजस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद 20 वर्षों से स्वामी सारंग लखनऊ में रह रहे हैं। उन्होंने इमाम हुसैन पर अध्ययन किया है। वे पिछले 10 वर्षों से मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते और मातम मनाते आ रहे हैं। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड समेत कई अन्य पदों की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनके लिए कई अन्य लाभकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। वहीं सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई। वहीं यूपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। साथ ही अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं वीआईपी प्रमुख व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में एसआईटी एवं पुलिस की कार्यवाही मंगलवार की देर रात तक जारी रही। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। साल 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया था। मकसद इसके नाम में ही था, आतंकियों का टोटल सफाया। 2019 में 370 हटने के बाद सेना ने ऑल आउट और तेज कर दिया। दो साल में दावे होने लगे कि कश्मीर में उंगलियों पर गिनने जितने आतंकी बचे हैं। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि आतंकी मिट गए थे या पीछे हट गए थे, डर के भागे थे या मौके के इंतजार में छिप गए थे। जी हाँ, जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या आतंक का अड्डा अब कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो चुका है। डोडा की मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। अंदेशा है 2 से 3 आतंकी डोडा के जंगल में ही कहीं छुपे हुए हैं। जंगल में कई पुरानी गुफाएं, हो सकता है वहीं से आए हों और वहीं छिपे हों। सेना जंगल में घुसी हुई है, उसके हेलीकॉप्टर भी चप्पा चप्पा छान रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू के आतंक का सेंटर बनने के कई सबूत हैं। पहला सबूत हमलों के आंकड़े हैं। 5 अगस्त 2019 की तारीख को मानक माने तो पहले के 4 सालों के मुकाबले के बाद के 4 सालों में आतंकियों की गिरफ्तारी 71% बढ़ी है। हालांकि हमारे जवान लगातार उन पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी धरपकड़ भी तेज कर दी है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है।